नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं? आज एक विशेष वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बस यूँ बैठे थे मैं, सुनील इश्तियाक जी, काला जी और वीरेंद्र जी, हमारा नेकीराम भाई कहें, दोस्त कहें, स्टूडेंट कहें, रिश्ते का नाम कुछ भी हो सकता है, बट सबसे ऊपर रिश्ता है लाड प्यार वाला। नेकी आया, नेकी ने कहा कि भैसा भी बच्चा, एक परिवार का बच्चा छोड़ के गया था आपके पास, जो पास ही बैठा, क्या नाम बेटा आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, और इसको RUHS में MBBS की सीट पे एडमिशन हो गया, साथ आपके सुभाष जी भी हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इस बच्चे से बात की जाए, नेकी से बात की जाए, सुभाष जी से बात की जाए। तो ये बच्चा विदेश से नहीं आ पाया किसी कारणवश, जो भी था 4-5 मार्च को ये नहीं आ पाया, आज नेकी ले गए। तो मैं चाहूँगा नेकी आप पूरी कहानी बताएं, ये बच्चा सिलेक्ट कैसे हुआ, क्या बना? सभी को इस CLC के पावन प्रांगण से, जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं एक मैसेज के रूप में इस बच्चे को आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि जिंदगी में व्यक्ति जब सब कुछ खो देता है, उसके बाद भी अगर वो सोचे कि मैं उठ खड़ा हो पाऊँगा, और वो खुद संकल्प ले ले एक ऐसे संस्थान के साथ में जुड़ करके। आज हम CLC में बैठे हैं, CLC और अमित का जो संबंध बना उस यात्रा में, अमित ने एक अलग इस CLC के साथ में छाप छोड़ी है। मैं बताना चाहूँगा कि अमित के पिता श्री शहीद सुल्तान सिंह जी सेना में शहीद हो गए थे जब अमित 2 साल का था। इसके छोटा भाई एक और है, वो मात्र कुछ महीनों का था। उसके बाद में सुभाष के सहयोग से, जो मामा लगते हैं अमित के, ये झंझावत उसे निकाल करके लाया, और जिस बच्चे ने इस दुनिया में आने से पहले ही या तत्काल ही सब कुछ खो दिया, उसके बाद भी एक मोटिवेशन CLC के हमारे श्रवण चौधरी जी ने इस बच्चे को दिया, इस परिवार को दिया, और ये कहा कि आप माता पिता को तो मैं नहीं ला सकता। मैं बीच में कहना चाहूँगा कि कोविड के तुरंत बाद इसकी माता श्री का भी, जो सजना देवी हमारी सिस्टर थी, उसका भी निधन हो गया। तभी मैं कहता हूँ कि सब कुछ खोने के बाद भी CLC में आकर के, मतलब पिता खत्म हो गए 2 साल खत्म जी, और माता भी 2 साल पहले खत्म हो गए जी, जो शहीद वीरांगना सजना थी, उसने इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। ऐसी परिस्थिति मैंने मेरे जीवन में, बच्चे कहते हैं कि मेरा परिस्थिति खराब है, मेरी परिस्थितियां मेरे पढ़ने के अनुकूल नहीं है, लेकिन इस बच्चे को जब हम देखते हैं परिस्थितियों के पैमाने पे, तो इससे खतरनाक परिस्थिति कोई नहीं हो सकती। कि उम्र के हिसाब से बच्चा बहुत छोटा था, उस समय पिताजी का सेना में देश के लिए कुर्बान हो जाना एक गर्व की बात थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो परिस्थितियों का खेल था वो बड़ा खतरनाक था, भावनाओं का खेल था वो बड़ा खतरनाक था। उन परिस्थितियों में पड़ना और अपने आप को रेंगते रेंगते खड़ा करना बहुत मुश्किल काम था। जैसे जैसे अमित बड़ा हुआ, 10वीं किया, उसके बाद CLC में हम आपको लेके आए, और वहाँ पे जो परिस्थितियाँ बताई उसके हिसाब से हमारे को एक परिवार का सा माहौल यहाँ मिला, और उसके बाद बच्चे को भी लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, हमें भी लगा कि बच्चा कुछ कर पाएगा, CLC के साथ जुड़ गया, एक माहौल मिला इसको, पॉजिटिव एनर्जी मिली, और उसके बाद में बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों को, परिस्थितियों को साथ में जीता हुआ, लेकिन आगे बढ़ने लगा। तो एक आस जगी कि अमित अब डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन जैसे ही अमित डॉक्टर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा था, इसका जो नीट का एग्जाम था, उसे 2 या 3 महीने पहले जो मदर थे सजना, उनके डेंगू हो गया और वो ख़त्म हो गए। तो हमें फिर ऐसे लगा कि भगवान कितनी बड़ी परीक्षा लेगा, लेकिन उस परीक्षा को भी इस CLC परिवार के माहौल ने, उस मोटिवेशन ने अपने पैरों तले दबा दिया उस परिस्थिति को, और बच्चा आगे बढ़ता रहा। और आज हमें खुशी है इस बात की कि अमित राजस्थान के टॉप कॉलेज के अंदर MBBS का दाखिला ले, 2022 के थ्रू, नीट 2022 के थ्रू RUHS में आपका एडमिशन है, RUHS में आपका एडमिशन है। और अब हम आज आपके पास इसी हिसाब से लेके आए हैं कि ये पहली सीढ़ी पे अपना पैर रख रहा है, ये सफलताओं के शिखर तक पहुंचे, ऐसी दुआएं हम CLC के इस पावन प्रांगण से आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, नेकी ने जो बात कही इस बालक की, सुभाष जी आप मामा हैं, पर बच्चे आते हैं इश्तियाक काला जी साहब, मेरे ये है, मेरी वो परिस्थितियां हैं। तो मैं मानता हूँ कि माता पिता दोनों दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद कोई बच्चा पढ़ता है तो उससे तो बड़ी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती।
ठीक है आर्थिक रूप से ये सक्षम है क्योंकि इनके अपने सक्षम है, लेकिन माता पिता की जगत को ले नहीं सकता। सीएलसी ने क्या किया, मैंने क्या किया, नेकी ने क्या किया, सुभाष ने क्या किया, लेकिन हम सब कुछ करने के बाद वो जगह किसी की कवर नहीं कर सकते जिसको माँ बाप कहते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सबको मैसेज देना चाहूँगा कि जिंदगी में रुकना कभी नहीं चाहिए। वो मैं तो गानों का शौकीन आदमी हूँ, एक गाने की वर्डिंग है, फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, उनको खिलने से पहले फिजा खा गई। तो ये गाना आज इस बच्चों को देख के लगता है कि हर चीज का अर्थ होता कोई ना कोई। जीवन ऐसे भी हैं जो जिए भी नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। मैं अमित एक ही कहना चाहता हूं आपको इस मीटिंग में, ये आपकी जिंदगी की शुरुआत है। आपको यूजी करना है, उसके बाद बहुत अच्छी पीजी करनी है। आप मिसाल हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए। और एक बात जरूर कहूंगा, मत दिखाओ जख्म दुनिया को, हर आदमी अथेली पे नमक लिए घूमता है। नेकी, सुभाष जैसे लोग, मामा आपके, फिर मामा जरूरी भी कोऑपरेटिव हो, क्या जरूरी है मामा कोऑपरेट करें। और शायद ये मैं तो यहां तक कहूंगा कि मामा शब्द नहीं भाई साहब, जो मैं इस वीडियो में मेरा मैंने जो देखा है, जो पीछे का खेल देखा है, तब से मैंने इस परिस्थिति को जिया है, तो सुभाष को तो मैं मामा क्या, इसको तो मैं माँ कह सकता हूँ। नहीं मामा, देखो सुनो सुनो निखिल राम जी, मामा माँ से प्यारा होता है, मामा माँ दो बार आता है, कभी गौर किया आपने, मामा माँ दो बार आता है, मामा तो सबसे प्यारा है। यहाँ ये गाना भी गा सकते हो सिर्फ में कि चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा मेरा मामा। शायद ये वही व्यक्ति हैं शहीद, जिनकी फंक्शन तूने एक बार मुझे बुलाया था। ये शहीद सुल्तान सिंह हैं जो बागरियावास में अपन प्रोग्राम में गए थे, प्रोग्राम में आपको बुलाया था, बारिश आ रही थी, लेकिन आप बारिश आई थी ना, उनके लड़के हैं, उनके बच्चे हैं। और उन मूर्ति को बनाने के लिए भी जो दयाराम जी गुरु जी को याद करना चाहिए, दयाराम जी गुरु जी का जी बड़ा, उन्होंने जब शहीद स्थल पे, अंत्येष्टि स्थल पे जब मूर्ति का विषय आया, उसके लिए 3 से 4 साल तक लड़े, और दयाराम जी मेहरिया कुछ पॉलिटिक्स भी हुई थी ना वहाँ, इतनी पॉलिटिक्स हुई कि चलो उसकी चर्चा अपन यहाँ इस अच्छे माहौल नहीं करेंगे। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई जीवन जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो नेकी मैं तो आपको थैंक्स तो नहीं कहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि आप इस बच्चे को सेल से लेके आए, और ये सीएलसी का सौभाग्य रहा कि इसके जीवन के यज्ञ में कुछ आहुति सीएलसी भी दे पाई, और 10th तक शायद भारतीय में पढ़ा लड़का है जी, तो हरी जी रणवा भाई साहब का भी, उनका भी आभार करूंगा कि उन्होंने इस बच्चे को तैयार करके भेजा और आप लोग आए। मुझे सीन याद आ रहा है जिस दिन आप आए थे बस डे। सुभाष जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जैसे लोग जिस परिवार में हो और आप जैसे लोगों का सहयोग हो, तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो उनसे पार पाई लेगी। मैं मामा हूँ, मैंने इनको बड़े नज़दीक से देखा है, इनके चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि इनको माँ की जरूरत कब रही होगी, पिता को कब याद किया होगा, लेकिन मैंने प्रयास किया कि कभी महसूस न होने दी। ये समझ सकता हूँ आपकी लड़का थी बोली रहा आपकी आंख का वो पानी को आप छुपाना चाह रहे हैं। एनीवे खुशी के माहौल में आते हैं हम लोग, आज हमारा बच्चा डॉक्टर है। ऐसा मैं बीच में एक बात और बोलना चाहूंगा, ये दो बच्चे हैं, ये बड़ा बेटा है, छोटा बेटा उसका नाम है सचिन, वो 6th क्लास में है। और ऐसी परिस्थिति पैदा होने पे भी जिसके पिताजी फौज में शहीद हो गए हों और उनको सेना मेडल से नवाजा गया हो, और वो बच्चा उगते ही ये ठान ले माता के साथ कंट्रीब्यूशन करके कि मैं भी सेना में जाऊंगा और अफसर बनूं। और बहुत खुशी की बात है कि उस बच्चे को हमने आर्मी स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट दिलवाया, और देश में 3 ही आर्मी स्कूल हैं जिनमें आर्मी स्कूल अजमेर में हमने उसको 6th क्लास में डाल दिया। वो इतना सा छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस ये सब परिस्थितियाँ उसको ये सिखाया गया है, हमने प्रयास किया है, सिखाया क्या गया है, हमने प्रयास किया कि बेटा इससे ज़्यादा नुकसान आपका क्या हो सकता है, भगवान कितनी बड़ी परीक्षा ले, इससे बड़ा आपका कोई परीक्षा का खेल नहीं चल सकता। यहाँ मुझे एक डायलॉग कहूँ या एक वाक्य को याद आता है, देखिए मैंने पढ़ा कि दुनिया में 2 लोग सफल होते हैं,
एक मजबूर एक मजबूत, या तो आदमी मजबूत हो तो उसके पास सफल होता है, एक आदमी मजबूर हो जाता है कि अब तो आगे बढ़ना ही है। तो हम सब वो लोग हैं जो, मैं मेरी बात कहूँ कि मैंने कोचिंग स्टार्ट की तब मैं मजबूत भी था मजबूर भी था। कुछ मेरे ऐसी पिछले परिवार की मेरे कि मेरे को तुरंत कुछ काम शुरू करना था, मैं उनको खैर सोच नहीं करना चाहूँगा, मजबूत इरादे थे और मजबूरियाँ मेरे साथ थी। तो इन लोगों के इरादे मजबूत हैं और मजबूरियाँ इनको आगे धकेल रही थी, धक्का मत जैसे कहते ना, कुछ लोग कहते भगवान मेरे लट लेके पीछे पड़ गया, इस बात को पूरा करो, भगवान लट लेके पीछे पड़ गया आगे बढ़ने के लिए, भगवान पीछे करता ही नहीं किसी को, लोग क्या आगे वाक्य बोलते हैं, भगवान पीछे पड़ता लट लेके होंगे पर तो आगे बढ़ इसलिए बढ़ता है। तो ये हमारा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा, तो विजय उत्सव आप नहीं आ पाए तो आपका सम्मान करना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा आए और नहीं आ बच्चे को सॉरी क्या पर सम्मान करते हैं इस बीच में, पहले सम्मान करते हैं वो पेरेंट्स से। अब बेटा कुमार अब तुम बीच में खड़ा हो, तब आगे हो सर लिपिंग हो रहा है जो होता बच्चे के लिए आ जाओ। अच्छा बीपीएस करेगा उसके बाद बहुत अच्छी सी पीजी करेगा। इसी के साथ नमस्कार शुभकामनाएं, एक लाइन के साथ बात खत्म करेंगे, जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। बस इतना ही कहूंगा, किसी को लगे कि जिंदगी टफ है तो ये वीडियो शायद आपको बहुत कुछ सिखाएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।